Hello students, let's start nucleophilic addition reaction. Right students, लेकिन nucleophilic addition reaction start करो उससे पहले general mechanism, right? So, NAR, general mechanism, that is the most important thing, general mechanism. See students, this is your molecule, whether it is aldehyde or ketone, either it is aldehyde or ketone, and in front of this, वहाँ पर कीनु है, कीनु, कीनु नहीं, कीनु, NU negative, E delta positive, and here delta negative and this is delta positive. Let's think about this molecule is planar, has the two hexides, so trigonal planar. आप ऐसे समझिए ये मॉलिक्यूल बैक पे लेटा हुआ है. सी इट्स वैलेंसी इज कमिंग लाइक दिस. सी स्ट्रिंग्स दिस वैलेंसी इज गोइंग लाइक दैट. सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज कमिंग लाइक दिस टुवर्ड्स योर साइड एंड दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम यू. दैट मींस पी ऑर्बिटल विल बी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. और इफ आई मेक दिस मॉलिक्यूल लाइक दिस देन द पी ऑर्बिटल विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड अवे फ्रॉम यू. राइट. सो राइट नाउ दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस. So it's p orbital, carbon delta positive p orbital is going above the plane and below the plane, or c per attack karega on nu, nu, nucleophile, above the plane and below the plane. Dekhi, jitna upar se aega, utna hi neche se aega, 50-50% each molar attack, right students? So I can write like this, this nu will come above the plane and attack on this and below the plane and attack on this. See, थोड़ा सा तिरछा आ रहा है 87.5 डिग्री. दैट मीन्स नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. व्हाई इट इज लाइक दिस. सी यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन तो थोड़ा सा दूर से आएगा, हल्का जमीन की तरह से अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अप्रोक्स. नाउ दिस पॉइंट ये बॉन्ड तो टूटा है नहीं, तो एनयू थ्री जल्दी कैसे आएगा. दैट मीन ये हीरो, ये हीरोइन, कॉलेज हीरो ने हीरोइन को देखा, हीरोइन ने हीरो को देखा, बट कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है. तो इसका मतलब जल्दी से बात आगे बढ़े उसके लिए विलेन की एंट्री. वो विलेन से फाइट करेगा हीरो, और हीरोइन उससे दोस्ती करेगी. तो यहाँ विलेन कौन है? कैटलिस्ट. कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन में एसिडिक कैटलिस्ट भी हो सकता है, बेसिक कैटलिस्ट भी हो सकता है. दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन. सो कैटलिस्ट मे बी एसिडिक और बेसिक. दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन. वो डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप होगा, बट कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन को पास करेगा. और ये अटैक ऊपर नीचे से बराबर है. दैट मीन्स इक्यूमोलर अटैक दैट इज 50-50 फ्रॉम अबव द प्लेन, अबव द प्लेन and below the plane, above the plane and below the plane. See students, that is 50-50%. ये R कुछ भी हो students. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि R कुछ भी हो, सी R कुछ भी होगा. ये R मान लो रामू आ रहा है, रामू आ रहा है तो जितना इधर जा रहा है उतना ही. ये R कुछ भी हो, अटैक तो किस पे होना है? इस P orbital पे होना है. तो इस P orbital और नीचे वाले P orbital में ये R कौन है? ये R कौन है? उससे फर्क नहीं पड़ेगा. Now see students, what you get? आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. जींस टू आर वेरी सेम और दे कैन बी डिफरेंट. दैट डिपेंड्स. नाउ सी स्टूडेंट्स व्हाट वी गेट. आर आर डैश सी ओ नेगेटिव एंड न्यू. सी दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स. फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. एसएनवन में क्या मिला था? कार्बोकेटाइन. कहीं पे फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल मिला था, बट यहां पर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. दिस इज योर टेट्रा हेड्रल इंटरमीडिएट. अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स कुछ भी हो, चार्ज तो है ही, तो रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में भी आएगी. दैट मीन
the step is slowest step is RDS, rate determining step. Slowest step है. और fast से क्या होगा स्ट्रिंग्स, ये E plus ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा. So this is comparatively fast step, क्योंकि इसको nucleosity मिल रही है R, RDS, nu and OE. So see strength, if R is not equal to RDS, so definitely ये आप देखिए ऊपर से भी अटैक हो रहा है, नीचे से भी अटैक हो रहा है, जैसे स्पाइरल गार्डन तो नेक्स्ट टू लीवो बराबर मिलेंगे इक्विमोलर कंसंट्रेशन. सो यू विल गेट इक्विमोलर कंसंट्रेशन, और इक्विमोलर कंसंट्रेशन दैट मींस यू आर गेटिंग रेसमिक मिक्सचर. दिस मिक्सचर विल बी नोन एज रेसमिक मिक्सचर. बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आर आर डैश डिफरेंट है लेकिन मुंह ऐसा हो, मुंह मैं बताऊंगा इसके जैसा हो ही नहीं सकता. स्टूडेंट चार रिएक्शन है, चारों रिएक्शन में यह डिफरेंट आएगा. तो इट ऑल डिपेंड्स कि रेसिपी क्वेश्चन मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दी आर एंड आर डैश. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए इसमें और अच्छे आगे से पढ़ाते हैं स्टूडेंट सभी को, राइट. देखते हैं रोल ऑफ कैटालिस्ट. ये तो बात हुई थी किधर से अटैक हुआ किधर से अटैक नहीं हुआ, लेकिन मैं रोल ऑफ कैटालिस्ट पढ़ाऊं उसके बेस्ट एक क्वेश्चन तो दे दूं कि मैंने आर और आर डैश जो बताया है कि क्या आपको समझ में आ रहा है. कि बेस्ड ऑन दिस लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विथ हाइड्रोजन साइनाइड फॉलोड बाय hydrolysis and presence of zinc and water will not produce racemic mixture. So let me give the options straight. Here are the options. आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा स्टूडेंट. सो दीज आर द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर वन CH3CHO बेंजाल्डिहाइड. सेकेंड ऑप्शन एसिटाल्डिहाइड. सेकेंड ऑप्शन C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड, नाम से पता रहना चाहिए. थर्ड ऑप्शन एसीटोन. फोर्थ ऑप्शन एसिटोफिनोन C6H5COCH3. तो सी स्ट्रेंथ किसमें आर और आर डैश सेम है. इफ बोथ दी आर आर सेम दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस रेसमिक मिक्सचर. सो योर टर्न नाउ, टेल मी द आंसर इज एसिटोन. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या बात समझ में आती है? ओके, नाउ लेट मी टेल यू द रोल ऑफ कैटलिस्ट. एसिडिक कैटलिस्ट क्या करेगा, बेसिक कैटलिस्ट क्या करेगा, बस इसको मजे ही मजे हैं आपको सब बात समझ में आ रही है. So let me tell you the role of catalyst. Okay, हम समझने जा रहे हैं रोल ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है, जस्ट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इट कम्स बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप साइज एंड कंसंट्रेशन. तो लोगों को लगता है बुद्धू बच्चों को कि कैटलिस्ट does not take part in the reaction, but catalyst of the catalytic role of catalyst. सबसे पहले basic catalyst. मैं कुछ बताऊं स्टूडेंट, उससे पहले एक बात समझ लो कि एक हीरो था, कॉलेज टाइप का एक हीरोइन था, ठीक. चाहे हीरो पहल कर दे चाहे हीरोइन पहल कर दे, दोनों में से कोई भी पहल कर दे बात आगे जल्दी बढ़ जाएगी. तो देखते हैं बेसिक कैटलिस्ट करता क्या है. अगर आपका रिएजेंट है HCN, pKa approximately 9.4, वेरी वीक एसिड. दिस इज वन ऑफ द रिएजेंट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट. तो हमें लेना पड़ेगा कैटलिस्ट बेसिक NaOH. देखिए तो वीक एसिड है, लेकिन मैं क्या तक आने में चांस स्ट्रॉन्ग, आई एम बीइंग strong base. So
स्ट्रॉन्ग बेस चेंज ना करेगा, नहीं करेगा, OH नेगेटिव और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या कहता है, तो न्यूक्लियोफाइल भी हूँ मैं, बेस भी हूँ, लेकिन बात इस बात की है कौन क्या इंपॉर्टेंट नहीं, कौन किसके सामने है, एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा तो बेस क्यों मैं हो गया, तो मतलब मुझको और मेरे यार ऐसे बेस न्यूक्लियाइजेशन हो गया, एवियन 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 नाउ सी स्ट्रिंग्स यू गॉट HOH, Na+, plus, और मुद्दे की बात CN negative and CN negative you see here CN negative both have been data negative charge but here complete negative charge. Complete negative charge strength means that it is having full negative charge. So charge increase. So once the charge increase, so rate of reaction also. So this is the role of basic catalyst. Reaction reverses you into being in the strong but ये weak है, right? So this is the role of basic catalyst. Now let us check it out कि acidic catalyst क्या करेगा इसमें. See role of acidic catalyst. Let me tell you the role of acidic catalyst. When catalyst आपको एक बार role समझ आ गया, that means you can do each and everything. आपको reaction समझने में देर नहीं लगेगी इसमें. Now see role of acidic catalyst. Acidic catalyst देखिए reactant पे attack करता है. This is aldehyde of ketone. We can take either aldehyde or ketone and dry acid. अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर dry acid तो acid ही नहीं होता है, आप क्या बात कर रहे हो? Dry मान लो एक रामू है, रामू सूखा मतलब dry है, उसको पानी में फेंक दिया तो क्या आप सूखा रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो पानी में जाने के बाद गीला हो जाएगा. तो ड्राई तब तक था जब तक सिर्फ HCl था, उसको एसीटोन में डालोगे बस फिर कह रहे हो आम बिंग हाईली एसिडिक, मेरे को तो प्रोटॉन रिलीज करना है, छोड़ दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन कह रहा हो के मुझे लोन पे नजर आ रहे हैं, मैंने लोन पे अटैक कर दिया और देखो क्या हो गया इसमें. आर सी आर ओ पॉजिटिव एच, ऑक्सीजन मारेगा डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट I can't connect this positive charge. Hey, carbon electron, मुझे दे दे, लाइट जा, तो क्या नजर आएगा आपको? R, R, C positive, OH. Now see, here carbon goes having delta positive charge, but here complete positive charge means strength, complete positive charge means charge increased, so rate of reaction increased. Okay, so this is the role of acidic and basic catalyst. फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, राइट.